व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज के गेम प्ले में हम रॉप हीरो वाइस टाउन की चारों बाइक को कोना डबल जंपर से जंप कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दो जंपर है, एक तो ये है और दूसरा वाला ये रहा। तो दोस्तों, इन दोनों जंपर से हम बाइक्स को जंप कराने वाले हैं, मतलब पहले हम बाइक को यहाँ से जंप करा के यहाँ लेके जाने वाले हैं और फिर इस दूसरे वाले जंपर से नॉन स्टॉप जंप करवा के हम सामने वाली बिल्डिंग की छत पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये टास्क ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन भाई जब हम बाइक से जंप करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि यार बाइक ना अनकंट्रोल हो जाती है और कभी तो बिल्डिंग के बाहर चली जाती है, कभी बिल्डिंग से गिर जाती है और कभी जंपर से ही सही से जंप नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम परफेक्ट वाला जंप दिखाते हैं आपको। ये देखो क्या मस्त जंप किया है, और ये रहा हमारा परफेक्ट जंप। दोस्तों देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया ना, लेकिन भाई इसके पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, काफ़ी बार मैं नीचे भी गिर गया था, उसके बाद जाके ये एक परफेक्ट सीन हमने क्रिएट किया। दोस्तों इसके बाद में हमने ग्रीन बाइक को जंप करवाया, तो उसे जंप कराने के लिए भी भाई हम इसी तरीके से यहाँ से दौड़ा के लेके गए, और ये देखो क्या शानदार जंप हमने यहाँ से किया है और फिर नॉन स्टॉपेबल हम यहाँ आ गए। क्या बात है ना दोस्तों, बड़े ही मस्त तरीके से अब हमारी सारी बाइक्स ना एक एक करके इस बिल्डिंग के ऊपर आने वाली है। तो ये हमारी ग्रीन बाइक भी आ गई है, ये मिशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अभी बची हैं बाकी की दो बाइक्स दोस्तों, वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में नंबर आता है इसका जंपिंग बाइक का। तो इसे जंप कराने के लिए ज़्यादा दूर से दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी क्लोज से हम इसे जंप कराने वाले हैं, तो बस इतना सा रनिंग पॉइंट काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो यहाँ से हम इसे रेस दे के, और क्या शानदार जंप कराया। ओ भाई कहाँ जा रही है ये? तो दोस्तों ये भी एक परफेक्ट जंप था, और इसे भी हम भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर लेके आ गए हैं। तो दोस्तों ये वाला मिशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। यह जंपिंग बाइक ना काफ़ी आसानी से आ गई थी, क्योंकि यार इसका तो नाम ही जंपिंग बाइक है और जंप करने में ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन मैंने इसको किक क्यों मार दी भाई, ऐसे ही मैं पागल हो रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है हमारी नागिन बाइक। दोस्तों नागिन बाइक ना सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल होने वाली बाइक है, लेकिन हमने इसे भी कंट्रोल में ले लिया है, और ये देखो क्या परफेक्ट हमने सीन क्रिएट किया है। दोस्तों इसने भी हमारा मिशन सक्सेसफुल बना दिया है, हम नॉन स्टॉपेबल होकर इस बिल्डिंग पे आके रुक गए हैं दोस्तों, दोनों जंपर से जंप करके। तो यहाँ पे दोस्तों आज का हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो गया है, हमने चारों बाइक्स को जंप करवा के इस बिल्डिंग पे पार्क कर दिया है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था, ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, आप लोग भी ट्राई करके देखो क्या आप भी इस तरीके से बिना कहीं रुके इस बिल्डिंग तक अपनी बाइक्स को लेके आ सकते हैं या नहीं। जो जो लोग ये कंप्लीट कर लें वो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे यार दोस्तों, अगर इन बाइक्स की जगह हम कार्स को यूज़ करते तो ये मिशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन सच में यार मज़ा भी बहुत आता। अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्स को भी लेके आऊँ इस बिल्डिंग के ऊपर, जैसे अभी इन बाइक्स को डबल जंपर से जंप करवा के लाया था, तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि बाइक्स की जैसे हम कार्स को भी इन डबल जंपर से जंप करा के इस बिल्डिंग के ऊपर ला सकें। तो दोस्तों इसके लिए यार आपको एक सिंपल सा कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई नेक्स्ट वीडियो में हमें बाइक्स की जगह कार्स को जंप कराना चाहिए या नहीं। और हाँ दोस्तों, आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी या नहीं, नहीं देखी तो जल्दी से देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो के अंदर ना एक शानदार वाली ट्रिक है, मैजिक ट्रिक, जिससे हमारे फोर व्हीलर हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ना उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और वो गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ रही थी, वो भी बिना किसी ग्रेविटी गन के यूज़ किए हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई गैजेट यूज़ नहीं कर रहा था, एक सिंपल सी ट्रिक थी, और उस ट्रिक की वजह से ना मेरी गाड़ी हेलीकॉप्टर बन गई थी और हवा के अंदर उड़ रही थी। गाड़ी नहीं दोस्तों, बाइक भी उड़ने लग गई थी हवा के अंदर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो यार, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं कल वाली वीडियो को। तो दोस्तों मैं अभी आपको उस वीडियो से एक छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ, जिसको देख के आप समझ ही जाएंगे कि गाड़ी किस तरीके से हेलीकॉप्टर बन जाती है। यहाँ ना मेरे साथ क्या जादू हो रहा है वो देखो यार, मैं इस बाइक पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठते ये बाइक क्या हो रहा है, देखा दोस्तों यार ये बाइक ना डांस कर रही है जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, और ये भाई नाचने लग जाती है घोड़ी की तरह, और यार ये बाइक ना मुझे अपने ऊपर बैठने नहीं दे रही, मतलब कि अब मैं ये कार के अंदर बैठने वाला हूँ और देखते हैं कार को क्या होता है। ओ भाई जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, ये क्या हो गया, अभी ये कहाँ जा रही है भाई, ये क्या हो रहा है दोस्तों, बचाओ यार। A few moments later. दोस्तों मैंने कहा था ना, एक ऐसी मैजिक ट्रिक है जिससे हमारे फोर व्हीलर ही हेलीकॉप्टर बन जाते हैं। ये देखो दोस्तों मेरी
गाड़ी ना हेलीकॉप्टर बन चुकी है और ये हवा में एक हेलीकॉप्टर की तरह घूम रही है, लेकिन भाई ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा रही है। तो देखा दोस्तों, सच में यार हमारी गाड़ी ना हेलीकॉप्टर बन गई थी, और उसकी ट्रिक क्या थी ये जानने के लिए ना आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके देखो यार। कंप्लीट देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि किस वजह से वो गाड़ी हेलीकॉप्टर बन गई थी। दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे भी जाके कल वाली वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का नाम है यार ऑल बाइक्स वर्सेस मॉन्स्टर ट्रक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको यार कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।